अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैथमेटिक्स 4024, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आई होप यू ऑल आर फाइन, आई एम फाइन टू अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग की असेसमेंट की प्रिपरेशन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त जारी होगी। एंड आई होप यू ऑल हैव सीन द न्यू टाइम टेबल। पहले मैथ्स का असेसमेंट जो था वो मंडे को था, लेकिन अब जो है वो दो दिन आगे हो गया। अब इंशाल्लाह यू विल बी हैविंग योर मैथ्स असेसमेंट ऑन वेंसडे, तो तुम लोग को दो दिन और मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। आई होप ये वीकेंड भी तुम लोग जो है वो मैथ्स की जो है वो लग के जो है वो तैयारी कर रहे होगे। और टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, इंशाल्लाह इस वीडियो में वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन फर्दर ट्रिग्नोमेट्री। फर्दर ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक जो है वो ग्रेड 10 और ग्रेड 11 दोनों के असेसमेंट्स में जो है वो इंक्लूडेड है। तो मेरे पास ये क्वेश्चन आया फर्दर ट्रिग्नोमेट्री का, लेट्स जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है। क्वेश्चन छोटा सा है बहुत, इसकी जो है वो ज़्यादा लंबी चौड़ी वर्किंग नहीं है। द क्वेश्चन सेज इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी इज इक्वल्स टू 35 डिग्रीज, साइड क्यू आर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एंड साइन ऑफ एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 4/3 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल पी। ठीक है, अच्छा अब ये चीज़ जो है ना ये थोड़ी सी जो है वो नहीं है, ऐसे हमें जो है वो कभी भी पहले इस तरह जो है वो क्वेश्चन में कोई कंडीशन जो है वो नहीं मिलती थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है ना वो तुम लोग के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि ये थोड़ी सी चीज़ एक नहीं है, देखते हैं ये है क्या। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्यू। अच्छा अब इसने यहाँ बता दिया कि भाई जो एंगल क्यू आप फाइंड करने वाले हो ना उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा जो है ना क्वेश्चन में उसने ट्विस्ट डाल दिया है। भाई एंगल की तो हमारे पास एक ही वैल्यू आती है, लेकिन अब हम जरा थोड़ा सा गौर करेंगे तो हमें आइडिया होगा कि देखो दो वैल्यूज कहाँ पे आती थी। जब हम साइन रूल यूज करते थे तो हमने हमेशा आपको ये बात बताई है कि साइन रूल से जब आप एंगल फाइंड आउट करोगे तो देयर विल बी टू वैल्यूज। तो अब थोड़ा सा मुझे समझ में आने लगा कि मे बी पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ साइन रूल जो है वो यूज़ होने वाला हो। तो ज़रा थोड़ा सा पहले कंडीशन को असेस करते हैं, ये जो कंडीशन उसने हमें दी है ये है क्या, क्योंकि यहाँ कोई फिगर वगैरह जो है वो क्वेश्चन में है नहीं। बस हमें बोला है कि फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एंगल क्यू, एंगल क्यू के लिए उसने यहाँ हमें कंडीशन दी है। अच्छा अब इस कंडीशन में मेरे पास एंगल पी है, ठीक है, एंगल पी इज इक्वल्स टू 35 डिग्रीज। तो मैं क्या करता हूँ, एंगल पी की पहले जो है ना वो वैल्यू डाल के देखता हूँ। तो ये तो मेरे पास साइन क्यू है, तो मैंने एज इट इज साइन क्यू लिख लिया इसको, ठीक है। तो उसके बाद इज इक्वल्स टू है, ठीक है ना, ये मेरा साइन क्यू हो गया। साइन क्यू के बाद है 4/3, और अच्छा मैं 4/3 को ना ऐसे लिख रहा हूँ, मैं पूरा 4 लिख रहा हूँ, इसके बाद जो है वो मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा हूँ। और सिंस आई हैव द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, पी की वैल्यू है 35। तो मैंने यहाँ जो है वो साइन 35 लिख दिया, और उसके बाद चूंकि डिवाइड हो रहा है क्यू, और सॉरी 3 डिवाइड हो रहा था, तो मैंने 3 को जो है वो डिवीजन में लिख दिया। ठीक है, अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ये किया है कि मैंने यहाँ पी की वैल्यू पुट की है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ जो है ना मैं इसको क्यू लिख देता हूँ, क्योंकि ये हो सकता है किसी को थीटा लग रहा हो, तो हम यहाँ जो है ना वो क्यू ही लिखते हैं जैसे लिखा हुआ था। तो दिस इज साइन क्यू, साइन क्यू इज इक्वल्स टू, ये कंडीशन लिखी है मैंने बस, और कोई काम नहीं किया, 4/3। बस 4/3 का मतलब ये है कि 4 साइन पी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय साइन पी, पी की जगह पे 35 लिख दिया, क्योंकि एंगल पी वाज गिवन एज 35 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 3। अच्छा अगर अब मैं इसको देखूँ तो ये तो बेसिकली साइन रूल ही है ना यार, साइन रूल ऐसे ही तो होता है, यहाँ 4 होता है, 4 को शिफ्ट कर देते हैं इस साइड पर, ऐसे ही होता है ना। तो ये बेसिकली साइन रूल ही उसने मुझे दिया हुआ है, और वो मुझसे कह रहा है कि साइन क्यू की वैल्यू निकालो। तो बस अब जल्दी से कैलकुलेटर का काम है, और कोई काम ही नहीं है इसमें, बस मैंने प्लग इन करनी थी वैल्यू, मैंने प्लग कर दी। जल्दी से आप कैलकुलेटर उठाओ और ये मुझे जल्दी से जो है वो सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो सबसे पहले तो साइन 35 प्रेस किया मैंने, ठीक है, जो भी आंसर आया उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, और जो भी आंसर आया उसको डिवाइड बाई 3 किया, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.765। ठीक है, अब मैंने तुम्हें यही बोला था कि कैलकुलेटर वाली वैल्यू जो है ना वही यूज़ करना है, बेशक यहाँ आप राउंड ऑफ करके लिख लो। तो मैंने यहाँ राउंड ऑफ करके लिख लिया 7 और 65, मैंने यहाँ 3 डिजिट लिख लिए। अब सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, अब मुझे क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे साइन को शिफ्ट करना पड़ेगा। जब साइन इधर से उधर जाता है तो साइन इन्वर्स हो जाता है, तो बस अब जो है वो मेरे पास डायरेक्ट आंसर आने वाला है। तो साइन इन्वर्स हो गया, साइन इन्वर्स एंड देन इन द ब्रैकेट 0.765 लिख देता हूँ, और कैलकुलेटर में मेरे पास जो है वो ये वैल्यू पहले से जो है वो आई हुई है, तो मुझे राउंड ऑफ वहाँ करने की जरूरत नहीं, आई विल यूज़ द होल वैल्यू, पूरी वैल्यू मैं यूज़ करूँगा, इससे मेरे आंसर पे जो है ना वो कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर तुमने ये राउंड ऑफ वाली वैल्यू यूज़ की तो देयर माइट बी अ चांस ऑफ एरर इन योर आंसर, थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से आंसर मैच नहीं होता। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने शिफ्ट दबाया, साइन दबाया, और मैंने आंसर का बटन यूज़ किया, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है एंगल की, दैट इज़ कमिंग आउट एज 49.88। ठीक है, तो 49.89 जो है वो राउंड ऑफ होके हो जाएगी। तो Q
क्योंकि जो एक वैल्यू मेरे पास आ रही है दैट इज कमिंग आउट एज 49 पॉइंट, ठीक है। तो जो आ रही है वही लिखेंगे हम, इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, इसको 50 नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको जो है वो बस 886 आ रही थी तो मैंने 89 कर दिया, ठीक है। तो 886 थी मेरे पास, 889 कर दिया। और चूंकि ये साइन रूल से आई है तो आपको पता है साइन जो है वो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो एक तो क्यू की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, तो एक मेरा पॉसिबल आंसर ये हो गया। और दूसरी वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे पता है साइन फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये अक्यूट वैल्यू है। ऑप्टियूस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 180 में से माइनस कर दूंगा। तो हमेशा साइन रूल से तुम्हें याद है कि हम यही प्रैक्टिस रखते हैं कि हम हमेशा दो एंगल फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं उसमें से कौन सा जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो ज़्यादातर केसेस में अक्यूट वाला ही एक्सेप्टेबल होता है, ऑप्टियूस वाला नहीं होता, लेकिन ये है कि हम लोग हमेशा दो वैल्यू ज़रूर निकालते हैं। तो अब जो है वो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगेन कैलकुलेटर की मदद ले लेता हूँ जल्दी से, वैल्यू आ रही है वो आ रही है 130.11। तो दीज आर द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ क्यू, एक आ रही है 49.89 और एक आ रही है 130.11। तो बस ये थोड़ा सा इसका सोल्यूशन था, ठीक है। और ये थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो गया कि भाई साइन रूल से हमेशा जो है वो दो एंगल्स आते हैं, क्यों, क्योंकि साइन जो है वो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होता है।